अजीत पवार गुट के शरद पवार को एनसीपी अध्यक्ष पद से हटाया। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग को भेजी गई चिट्ठी, अजीत पवार चुनेगा अध्यक्ष। शरद पवार ने कल दिल्ली में बुलाई बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होगी मीटिंग, बैठक में शरद पवार रहेंगे मौजूद। भतीजे अजीत पवार पर जमकर बरसे शरद पवार, बोले अगर दिक्कत थी तो मुझसे बात करते, एनसीपी का चुनाव चिन्ह जाने नहीं दूंगा। शरद पवार ने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया, कहा हम सत्ता के भूखे नहीं हैं, जो बीजेपी के साथ गए वो खत्म हो गए। शरद पवार के पोते और एनसीपी विधायक रोहित पवार का बयान, कहा सत्ता के लिए विचार बदलना निजी फैसला, हम शरद पवार के विचारों के साथ। शरद पवार के पोते रोहित पवार ने कहा एनसीपी में शिवसेना जैसे नियम नहीं, शिवसेना की घटना से बहुत कुछ सीखा। एनसीपी के शक्ति प्रदर्शन में अजीत पवार गुट भारी, 35 से ज्यादा विधायक साथ। अजीत पवार बोले 2019 में चाचा के कहने पर फडणवीस के साथ ली थी उपमुख्यमंत्री पद की शपथ। अजीत पवार ने मंच से पीएम की तारीफ की, कहा देश में पीएम मोदी का करिश्मा चल रहा है। अजीत पवार गुट को समर्थक विधायकों में सेंधमारी का डर, बैठक के बाद बस से ले जाए गए विधायक, ताज होटल किए गए शिफ्ट। शरद पवार पर अजीत पवार का बड़ा हमला, बोले 82 साल के हो गए हैं पवार साहब, लोग 58 वर्ष में ही रिटायर हो जाते हैं। सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी, उन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन शिवसेना निकल ली, माफ कीजिएगा एनसीपी निकल ली। अजीत पवार ने ठोका सीपी और चुनाव चिन्ह पर दावा, चुनाव आयोग में दायर की अर्जी, पवार के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई जारी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान, कहा 82 साल के शेर है शरद पवार। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बीजेपी पर निशाना, कहा तोड़फोड़ की राजनीति करती है बीजेपी। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की यूसीसी का विरोध करने की अपील, क्यूआर कोड वाला एक लेटर जारी किया, वीएचपी ने साधा निशाना। बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट समेत कई पहलुओं पर चर्चा, लॉ कमीशन को भेजे जाएंगे सुझाव, बोर्ड ड्राफ्ट में यूसीसी विरोध में दाखिल। कल दिल्ली में खड़गे से मिलेंगे राजस्थान कांग्रेस के नेता, राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद, चुनावी तैयारियों को लेकर होगा मंथन। गृह मंत्री अमित शाह आज से रायपुर दौरे पर, आगामी चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक। दिल्ली की 30,000 कोर्ट परिसर में फायरिंग, वकीलों के दो गुटों में झड़प के बाद चली गोली, आरोपी वकील का लाइसेंस सस्पेंड। मध्य प्रदेश के सीधी पेशाब कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला पर एक्शन, अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। तेलंगाना में हिट एंड रन का मामला, शादनगर में बाइक सवार ने स्कूली छात्रा को मारी टक्कर, आरोपियों की तलाश जारी। अमृतसर के अटारी में बाढ़ के हालात, कई घंटे लगातार हुई बारिश, लोगों के घरों में घुसा पानी। अमृतसर में लगातार बारिश से परेशानी बढ़ी, कई नाले उफान पर आए, सूखी पड़ी नहरों में भरा पानी। हिमाचल के ऊना जिले में हुई जमकर बारिश, तेज बहाव में बह गई भारी भरकम कार, गाड़ी को निकालने की कोशिश नाकाम। शाहजहांपुर के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात, नदी के रास्ते से गुजर रहा था ट्रक, जल स्तर बढ़ने से फंसा ट्रक, ट्रक ड्राइवर का रेस्क्यू जारी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारी बारिश का कहर, नदी के बीचों बीच फंसी एसयूवी, पुलिस ने गाड़ी को निकाला, दिल्ली लौट रहे थे पर्यटक। भारी बारिश से दरभंगा में बिगड़े हालात, दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल में भरा पानी, स्वास्थ्य कर्मियों को हो रही है परेशानी। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने पकड़ा जोर, ऊना के कई इलाकों में हुई तेज बारिश, लोगों के घरों में घुसा पानी। हिमाचल के कई हिस्सों में तेज बारिश, शिमला में हुई जोरदार बरसात, तापमान में भारी गिरावट दर्ज। दिल्ली में भी झमाझम बरसात, उमस भरी गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, देहरादून में सड़कों का हाल बेहाल, कई इलाकों में जलभराव की समस्या। लखनऊ के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, सड़कों पर भरा पानी, वाहनों की आवाजाही में हो रही है दिक्कत। मानसूनी बारिश से यूपी के महाराजगंज में बाढ़ का खतरा, सैकड़ों एकड़ फसल हुई बर्बाद, किसानों को भारी नुकसान पहुंचा।
महाराजगंज के कई इलाकों में भरा पानी, नदी नाले उफान पर, बारिश के चलते कई गांवों का संपर्क टूटा। शाहजहांपुर में मूसलाधार बारिश का दिख रहा है असर, नगर निगम कार्यालय में भी घुसा पानी, सड़क पर हुआ जलभराव। लखनऊ में जनता के लिए आफत बनी बारिश, सड़क धंसने से बाइक सहित गड्ढे में गिर गया युवक, युवक हुआ चोटिल। तेज बारिश से लखनऊ में कई इलाकों में जलभराव, नगर निगम के दावों की खुली पोल, आलमगढ़ सब्जी मंडी में हुआ जलभराव। दिल्ली के बारिश ने सड़क को बनाया कुआं, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास सुबह धंसी सड़क, किसी के घायल होने की खबर नहीं। मधुबनी शहर में तेज बारिश से बड़ी परेशानी, शहर के कई इलाकों में जलभराव, सरकारी कार्यालयों में घुसा पानी। मथुरा के प्रेम मंदिर में बम की फर्जी सूचना देने वाला गिरफ्तार, आरोपी से सिम कार्ड और मोबाइल बरामद। इंदौर में धर्म परिवर्तन के नाम पर धमकाने का मामला, महिला ने दर्ज की शिकायत, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। इंदौर में अवैध शराब से भरा कंटेनर पकड़ा गया, ड्राइवर कंटेनर छोड़कर फरार, 50 लाख रुपए की है शराब। फतेहपुर में पुलिस ने कार सवार 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, कैश के साथ अवैध हथियार बरामद, 14 एटीएम कार्ड भी बरामद। पीलीभीत में अनियंत्रित होकर पलटी लग्जरी बस, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली से नेपालगंज जा रही थी बस। बीकानेर में स्कूल से लापता हुई छात्रा महिला टीचर को चेन्नई से पकड़ा, मुस्लिम टीचर पर धर्मांतरण के आरोप, तमिलनाडु पुलिस की ली गई मदद। गाजियाबाद में 13 वर्षीय नाबालिग के लापता होने का मामला, पुलिस ने दिल्ली के रेड लाइट एरिया से किया बरामद। क्रिकेटर प्रवीण कुमार कार एक्सीडेंट में बाल बाल बचे, तेज रफ्तार कैंटर ने मारी टक्कर, कार में बैठे बेटे के साथ थे प्रवीण कुमार। गाजियाबाद में दुकानदार के साथ जमकर मारपीट, सामान खरीदने को लेकर हुआ विवाद, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। छतरपुर में एक मकान में लगी भीषण आग, 3 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया काबू, आग में झुलसने से बुजुर्ग महिला की मौत। दिल्ली के हरिनगर इलाके के होटल में लगी भीषण आग, ऊंची लपटें देख मची अफरा तफरी, दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू।